सो आई गेस गुड मॉर्निंग। जैसे कि बोले आप देख सकते हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई आप लोगों को मल्टीबाइंडिंग का फीचर हमारे गेम में देखने को मिलेगा एंड आप लोग के गेम में मेंटेनेंस लग भी चुका होगा। तो जैसे आप लोग का मेंटेनेंस ब्रेक होगा तो गाइस आप लोगों को मल्टीबाइंडिंग का फीचर हमारे गेम में देखने को मिलने वाला है। इसमें क्या होगा, आप लोग अपनी फ्रीफायर आईडी को फेसबुक अकाउंट के साथ ही गूगल एंड वीके से भी लिंक कर पाओगे। बाकी रिवार्ड्स के बारे में बात की जाए, आप लोग ये रिवार्ड्स किस तरीके से मिलेंगे या आप लोग कौन कौन से रिवार्ड्स मिलने वाले हैं वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। इसके अलावा आप लोग के मन में काफी ज्यादा डाउट्स है कि भाई हम लोग को अपने अकाउंट को बाइंड किस तरीके से करना है, क्या फेसबुक के साथ हम लोग गूगल के अकाउंट को भी बाइंड कर पाएंगे, या फिर गाइस आप लोग के गूगल अकाउंट से पहले से कोई फ्री फायर की आईडी एंड आप लोग के फेसबुक अकाउंट से भी फ्री फायर की आईडी है, तो दोनों को आप लोग एक साथ कैसे मर्ज करोगे, सारा कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा। और देखो जैसे आप लोगों ने मेल्टिंग वर्ल्ड के इवेंट में गलती कर दी थी, आप लोगों ने काफी ज्यादा बड़े बड़े आइटम मेल्ट कर दिए थे, तो उस तरह की गलती आप लोग को बाइंड अकाउंट में नहीं करनी है, क्योंकि यार अगर आप लोग जरा से भी गलती करते हैं तो इससे आप लोग कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच कर लेना। साथ ही हम लोग बात करेंगे आप लोग के OP38 से रिलेटेड काफी सारी नई अपडेट्स के बारे में, जैसे कि यार मैं आप लोग को हमारी नई योगन दिखाऊंगा, न्यू इंक्यूबेटर दिखाऊंगा एंड ट्रेड प्लस बुक में होने वाली नई नई ब्रांड के बंडल्स में आप लोग को दिखाने वाला हूं, और भी काफी सारी नई अपडेट्स आ रही है आप लोग के OP38 से रिलेटेड जो कि मैं आप लोग को बताऊंगा। बाकी OP38 के बाद हमारे गेम में क्या क्या नए चेंजेस आप लोग को देखने को मिलेंगे उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो गाइस मैं लास्ट में वीडियो के एंड में आई बटन पे दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर भी देख सकते हो, और साथ ही गाइस आप लोग को एंड स्क्रीन पे भी देखने को मिल जाएगी। बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी वीडियो को प्यार सा लाइक कर दीजिए एंड चैनल पे पहली बार आ रहे तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सेट कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा इसी तरह करना फ्री फायर के एक छोटी छोटी अपडेट की वीडियो सबसे पहले लेकर आता रहता हूं। सो अगर आप लोगों ने ये दोनों काम मेरे लिए कर दिया तो बिना किसी देरी के बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करें सबसे पहले अपडेट की, जैसे कि आप सब लोगों को पता है मैं गेम में मेंटेनेंस लगा हुआ है एंड अभी आप लोग अपने गेम को ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो बात करें मेंटेनेंस ब्रेक कब होगा तो आज मैं आप लोगों को बता दूं, हमेशा तरह लगभग 5:30 बजे आप लोगों का मेंटेनेंस ब्रेक हो जाएगा एंड हो सकता है भाई 6 भी बज जाए लेकिन आप लोग को 5:30 बजे तक गेम खेलने को मिल जाएगा। बाकी रही बात आप लोग का गेम कब अपडेट होगा, तो शायद 12:01 बजे आप लोग गेम में अपडेट आ जाएगा, तो आप लोग पहले से अपडेट करके रख सकते हो एंड जैसे ही सर्वर मेंटेनेंस खत्म होगा तो आप लोग अपने गेम को खेल पाओगे। इसके बाद बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट क्या है, तो मैंने आप लोग को बताया था ट्रेड प्लस बुक में आप लोग की एक न्यू ब्रांड एड होने वाली है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ बंडल यहाँ पे निकलकर आ चुका है, आप लोग की ट्रेड प्लस बुक में जो न्यू ब्रांड एड होने जा रहे हैं उसके कुछ रिवार्ड्स भी यहाँ पे निकलकर आ चुके हैं, तो ये रिवार्ड्स गाइस आप लोग को OP38 अपडेट के बाद हमारी ट्रेड प्लस बुक में देखने को मिलेंगे, जो कि शायद आप लोग को लोक देखने को मिलेगी बट ये बंडल्स आप लोग को उसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप लोग के डेसो वाले ऑप्शन में भी कुछ नए बंडल्स एड होने वाले, जिनका वीडियो भी यहाँ पे निकलकर आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले आप लोग कुछ इस तरीके का बंडल देखने को मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया दिया गया और अच्छा खासा गाइस आप लोग इसमें एनिमेशन देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। ये बंडल आप लोग को OP38 के बाद हमारे गेम में नजर आने वाला है, तो ये फीमेल के बंडल के साथ ही गाइस आप लोग और कुछ बंडल देखने को मिलेंगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। दूसरा बंडल आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके का निकलकर आ रहा है, एंड ये भी हमें फीमेल का बंडल देखने को मिल जाता है, सेम उसी तरीके का आप लोगों को एनिमेशन इफेक्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। तो मेरे को क्या लग रहा है आप लोग इन बंडल्स को मेल एंड फीमेल दोनों को ही पहना सकते हो, इसमें गाइस काफी तगड़ा इफेक्ट भी निकल रहा है, तो ये बंडल गाइस आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा तीसरे बंडल की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो तीसरा वाला बंडल गाइस कम से कम हम लोग को मेल वाला देखने को मिल जाता है, तो यार इसका इफेक्ट मेरे को बहुत ज्यादा शानदार लगा, मतलब यार इसका कलर भी अच्छा है एंड ये बंडल मेरे को बहुत ज्यादा ओपी लगा, तो ये तीन बंडल आप लोग लिए निकलकर आ रहे थे जो कि भाई आप लोग हमारे गेम में देखने को मिलेंगे। बाकी यार देख सकते हो आप लोग लिए MP5 की गन स्किन भी निकलकर आ रही है, जिसका एनिमेशन अगर आप लोग कुछ इस तरीके देखने को मिलने वाला है एंड गाइस देखो भाई रैबिट को गाजर के ऊपर बिठा दिया गया है, तो ये आप लोग की MP5 की गन स्किन होगी, जिसके एट्रीब्यूट वगैरह मैं आप लोग को बाद में रिव्यू करके बताऊंगा, अभी कुछ इस तरीके की क्लिप निकलकर आई है, तो काफी फनी सी यार आप लोग को MP5 की गन स्किन हमारे गेम में देखने को मिलने वाली, पता नहीं गन वाले कहां कहां दिमाग लगाते हैं भाई किस तरह की गन स्किन आप लोग डिजाइन कर रहे हैं। तो ये गन स्किन आप लोग को हो सकता है OP38 के बाद हमारे गेम में देखने को मिल जाए इसी डैशो वाले ऑप्शन में, बाकी जैसे मेरे पास कोई कंफर्म अपडेट आती है इनके लिए तो मैं आप लोग को आने वाले वीडियो में जरूर से बता दूंगा। अब बात की जाएगा आप लोग के न्यू ईयर इवेंट के बारे में, आप लोग को पता है अभी तक हमें न्यू ईयर इवेंट देखने को नहीं मिला है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे लिख्स निकलकर आ रही है कि भाई OP38 अपडेट के बाद आप लोगों को हमारे इंडियन सर्वर भी न्यू ईयर देखने को मिल सकता है, जो कि 13 तारीख से शायद स्टार्ट हो सकता है लिख्स के अकॉर्डिंग बात की जाए तो, और क्या पता है जैसे आप लोग अपडेट आए तो आप लोग न्यू ईयर देखने को मिल जाए, जिसके कुछ पोस्टर भी यहाँ पे निकलकर आ चुके हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इनमें आप लोग काफी सारे बंडल्स नजर आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं जो बंडल्स एंड रिवार्ड्स है आप लोग के भाई चाइनीज के थीम पर डिजाइन किए गए, तो देखो मैं कंफर्म तो नहीं करूंगा हमारे इंडियन सर्वर ये रिवार्ड्स आप लोग न्यू ईयर इवेंट में देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ आप लोग के इंडियन सर्वर पर भी एक न्यू बिग सरप्राइज इवेंट स्टार्ट होने वाला है, जो कि आप लोग 13 तारीख से देखने को मिल सकते हैं, अपडेट के बाद ही देखने को मिल सकता है, बट हो सकता है कि आप लोग को ये रिवार्ड्स भी हमारे गेम में न्यू ईयर इवेंट देखने को मिल जाए। अब बात की जाएगा आप लोग की नेक्स्ट अपडेट की, तो यार मैं आप लोग को बता दूं आप लोग के नेक्स्ट गोल के बारे में बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये बंडल मैंने आप लोग को बता दिया था कि भाई ये बंडल आप लोग हमारे इंडिया सर्वर नेक्स्ट गोल देखने को मिलेगा, जो कि फीमेल का होगा एंड बांग्लादेश सर्वर पर भी सेम ही बंडल नजर आने वाला है, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, दोनों सर्वर पर एक ही गोल में बंडल आ रहा है। इसके अलावा बात करें आप लोग एप टोकन के बंडल के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये जो बंडल भाई आप लोग को एप टोकन में नजर आने वाला है, जो कि 100% कंफर्म तो मैं आप लोग को नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ये आप लोग के फीमेल के बंडल के साथ का, ये तो हो सकता है आप लोग हमारे इंडिया सर्वर भी एप टोकन में देखने को मिल जाए। इसके अलावा एक और बंडल आप लोग के लिए निकल कर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये जो बंडल है भाई आप लोग को बताया जा रहा था 26 जनवरी को देखने को मिलेगा, 15 अगस्त को देखने को मिलेगा, तो आज देखो ये जो बंडल है अभी तक हमारे गेम में आया नहीं है, तो गरीब वालों को चूर मचे तो क्या पता भाई आप लोग को ये वाला पुराना फीमेल मेल का बंडल हमारे इंडिया सर्वर एप टोकन में दे दे, और ये इंडियन सर्वर है तो इंडियन सर्वर के साथ कुछ भी हो सकता है, दोनों ही बंडल के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया, बाकी रैंक टोकन के बंडल के बारे में आप लोग को पता ही होगा, तो मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में आप लोग को पता लग जाएगा OP38 का अपडेट जैसे खत्म होगा। बाकी देखो आप लोग को पता होगा हमारे गन
ना फ्री फायर ने व्हाइट ट्रिपल फोर के साथ कोलैबोरेशन किया, तो उसका बंडल भी आप लोग गेम में नजर आने वाला। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसका बंडल निकल कर आ चुका है, तो काफी खतरनाक बंडल है गाइस। बहुत अगर आप लोग इसमें एनिमेशन देखने को मिलेगा, मुझे तो भाई बहुत ज्यादा पसंद है, तो भाई ये बंडल भी आप लोग हमारे गेम में OB38 के बाद नजर आने वाला है। और बात की जाए गाइस आप लोग की अपकमिंग इनक्यूबेटर के बारे में, तो आप लोगों को पता है फिलहाल में हमारे इंडिया सब आप लोगों को हमारे इनक्यूबेटर में वेक्टर की गन स्किन दी गई है, लेकिन जैसे आप लोग वेक्टर की गन स्किन का इनक्यूबेटर खत्म होगा तो आप लोग हमारे इंडिया सब इनक्यूबेटर में बंडल देखने को मिलने वाला, जिसका यहाँ पे आप लोग को वीडियो भी देखने को मिल गया था। मैंने आप लोग ये वीडियो भी दिखाया था, इसमें आप लोग को एक बंडल नजर आ रहा होगा, तो ये बंडल आप लोग के अपकमिंग इनक्यूबेटर में से एक बंडल हो सकता है। बाकी मैं आप लोग को बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो आप लोग को हमारी वुड पिकर की गन स्किन देखने को मिल रही है, ये आप लोग की 100% इनक्यूबेटर गन स्किन होने वाली है। इसकी बाकी की तीन गन स्किन भी निकल कर आ चुकी है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह की निकल कर आ रही है, जो कि मैं आप लोग यहाँ पे एक एक करके दिखा रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहले आप लोग हमारे इंडिया सर्वर अपकमिंग इनक्यूबेटर में बंडल देखने को मिलेंगे, एंड उसके बाद गाइस आप लोग हमारे इंडिया सर्वर वुड पिकर की गन स्किन इनक्यूबेटर में नजर आने वाली है, जो कि 100% कंफर्म है। बाकी यार मैं इन सब रिवार्ड्स का आप लोग के लिए बहुत ही जल्दी फुल रिव्यू लेकर आऊंगा, क्योंकि अभी अपडेट नहीं हुआ, तो गाइस मैं सारी चीजें आप लोग को अभी नहीं बता सकता, बट बहुत ही जल्दी गाइस मैं आप लोग को सारी चीजें दिखा दूंगा। इसके अलावा जैसे आप सब लोग जानते हो अपडेट के साथ ही आप लोग को हमारे गेम में भाई न्यू सीएस रैंक सीजन भी देखने को मिलता है, उसके लिए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ इस तरह आप लोग के लिए गोल्डन मैगटन की गन स्किन निकल कर आ रही है, जो कि भाई आप लोग हमारे इंडिया सर्वर न्यू सीएस रैंक सीजन में देखने को मिलेगी। और फाइनली आप बात करके आप लोग के बाइंड ईयर मल्टीपल अकाउंट के बारे में, तो आप लोग को पता ही होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो OB38 के बाद आप लोग हमारे गेम में मल्टीपल बाइंडिंग का सिस्टम देखने को मिलने वाला है, जिसमें आप लोग अपने फ्री फायर अकाउंट को फेसबुक के साथ ही गूगल एंड वीके से भी लिंक कर पाओगे। और इसके बारे में गाइस मैंने आप लोग को सबसे पहले बता देता, अब आप लोग के मन में डाउट चल रहे हैं, मेरे तो गूगल से पहले से फ्री फायर अकाउंट है एंड गाइस फेसबुक से भी मेरा फ्री फायर अकाउंट है, दोनों को मैं कैसे मर्ज करूंगा या दोनों को कैसे लिंक करूंगा, या फिर आप में से कुछ बंदे ये सोच रहे हैं कि अगर हम लोग लिंक करेंगे तो हम लोग को किस तरीके से रिवार्ड फ्री में क्लेम करने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो OB38 के बाद आप लोग को हमारे गेम में कुछ इस तरीके से लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस का न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग अपनी फ्री फायर आईडी को सभी डिवाइस में से एक ही साथ लॉग आउट कर पाओगे, जो कि मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया फीचर लगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कभी कभी आप लोग की आईडी हैक हो जाती है, आप लोग रिकवर तो कर लेते हो, लेकिन जो हैकर होता है अपने फोन में आप लोग की फ्री फायर आईडी को लॉगिन करके रखते हैं, बार बार लॉगिन करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग गेम भी नहीं खेल पाते। लेकिन ये फीचर आ जाने के बाद आप लोग की हैकर आईडी लॉगिन ही नहीं कर पाएगा, यानी आप लोग हैकर के फोन में से अपनी आईडी को लॉग आउट कर सकते हो। बाकी बात रही आप लोग अपनी फ्री फायर आईडी को गूगल एंड फेसबुक अकाउंट से किस तरह एक साथ लिंक कर सकते हो, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में आप लोग को सेटिंग के अंदर जाना है, स्टेप सेकंड में आप लोग अपने अकाउंट को फाइंड करना है, किस तरह आप लोगों ने ऑलरेडी लिंक किया, यानी फेसबुक से लिंक कर रखा है, गूगल से लिंक कर रखा है, तो जिसे आप लोगों ने लिंक कर रखा है वो आप लोग को स्टेटस में दिखाई देगा, एंड अदर लॉगिन में गाइस यहाँ पे आप लोग को फेसबुक गूगल एंड ट्विटर वगैरह दिखाई देंगे, तो अदर लॉगिन में जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो गाइस आप लोग वहां से अपने फेसबुक अकाउंट के साथ ही गूगल ट्विटर या वीके से भी लिंक कर सकते हो। बाकी देखो आप में से जिस किसी ने भी फेसबुक एंड गूगल दोनों से फ्री फायर आईडी बना रखी है एंड आप लोग चाहते हो कि आप लोग मेन आईडी को अपने फेसबुक एंड गूगल से दोनों से एक साथ लिंक कर पाओ, तो मैं आप लोग को बता दूं गाइस दो आईडी तो एक जगह मर्ज नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ अगर आप लोग के गूगल अकाउंट से कोई भी फ्री फायर आईडी नहीं बनी होगी तो आप लोग बड़ी आसानी से लिंक कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों ने आईडी बना रखी है तो गाइस जैसे हमारा OB38 का अपडेट आ जाएगा तो मैं आप लोग को इसके बारे में डिटेल्स में बता दूंगा, क्योंकि जब तक हमारे गेम में मल्टी बाइंडिंग का फीचर नहीं आ जाता तब तक मैं भी आप लोग उसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ गाइस बात करें आप लोग के रिवार्ड्स के बारे में, रिवार्ड्स किस तरीके से क्लेम करने को मिलेंगे, कौन कौन से रिवार्ड्स होने वाले, तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इतने ज्यादा ओपी रिवार्ड्स तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे अपने गूगल अकाउंट को बाइंड करने पर, क्योंकि आप लोगों को पता है इंडियन सर्वर पर इतने ज्यादा ओपी रिवार्ड्स तो नहीं मिलते, लेकिन हाँ गाइस हमारे इंडियन सर्वर पर आप लोगों को हमेशा तरह बाइंड करने पर आप लोगों को कुछ फ्री के रिवार्ड्स मिलेंगे, जैसे कि डायमंड वाले वेपन वाले इनक्यूबेटर के वाउचर हो गए, या आप लोग कुछ क्रेड्स वगैरह भी क्लेम करने को मिल सकते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों को फेसबुक से बाइंड करने पर एक बैकपैक स्किन एंड कुछ वाउचर वगैरह क्लेम करने के लिए दिया जाता है, ठीक उस तरह आप लोगों को गूगल से बाइंड करने पर कुछ फ्री के रिवार्ड्स क्लेम करने को मिल जाएंगे। बाकी गाइस आज के लिए इतने, होप करता हूं आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी, सो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।